साथियों, 2014 से पहले और आज की स्थिति में एक और ऐसा अंतर आया है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। ये चर्चा देश की साख से जुड़ी है। जिस देश की साख गिर रही हो, उस देश के लोगों का स्वाभिमान भी ऊंचा नहीं रह सकता। 2014 के पहले भारत के साथ क्या स्थिति थी, आप याद कीजिए। 2014 से पहले घर घर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, देश की साख गिर रही थी, लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है, जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है, और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही तो काम सही। करप्शन पर कार्रवाई, ये मेरा कमिटमेंट है। साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार इसलिए भी अधिक था क्योंकि सरकारी दफ्तर, सर्विस सेंटर बनने के बजाय पावर सेंटर बन गए थे। हर काम के लिए देशवासियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने सरकारी दफ्तरों को सत्ता के बजाय सेवा का केंद्र बनाया। सरकारी सेवाएं ज्यादा से ज्यादा फेसलेस हो, बिल से लेकर टैक्स जमा करने तक की अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन हो, हमने इसका प्रयास किया। आज सरकार की ज्यादातर खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से होती है। आज सरकार के टेंडर ऑनलाइन होते हैं। आप याद करिए, 2G जैसी सामान्य सुविधा के लिए पहले की सरकार में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। अगर उस दौर में 5G आता तो पता नहीं ये क्या क्या करते। साथियों, पहले के समय में भ्रष्टाचारी बहुत दिमागी तिकड़म लगाते थे। हमारी सरकार ऐसे भ्रष्टाचारियों का इलाज टेक्नोलॉजी से भी कर रही है। आज भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ आसान हुई है। आज मनी ट्रेल को छुपाना और कैश को छुपाना दोनों मुश्किल होते जा रहे हैं, और इसलिए कभी किसी सरकारी बाबू के घर से, बिस्तर से, दीवारों से नोटों की गड्डियां निकलती है, कभी किसी कांग्रेस के सांसद के घर से सैकड़ों करोड़ के नोटों के ढेर निकलते हैं, कभी किसी टीएमसी के मंत्री के घर से नोटों के ढेर निकलते हैं। इसलिए चारों तरफ बौखलाहट नजर आती है, बिलबिलाए हुए हैं। और ये सब होता क्यों है, बात वही है, नीयत सही तो काम सही।
For more news and updates, all you need to do is follow CNBC TV18 on all of our digital platforms.